हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 6 टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 6 टॉपिक के लगभग चार चार क्वेश्चन, कुछ टॉपिक के मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ टॉपिक के 3 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। देखिए, 12th इंग्लिश ग्रामर जो है, इसमें जो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो रूल्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रूल्स नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। अगर आपने रूल्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, अगर आप लोग उसे पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो नंबर है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, उसमें जो नंबर्स होते हैं उनको लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के 4 क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, अनिल विल से द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि अनिल विल से, अनिल कहेगा द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब, यानी कि लोगों को एटम बॉम्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लोगों को एटम बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। देखिए, यहाँ पर अनिल विल से है, ठीक है, तो अनिल विल से जो आपका रिपोर्टिंग क्लास है वो किस में है, फ्यूचर में है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपके रिपोर्टेड क्लास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको लिखना है अनिल विल, ठीक है, से के स्थान पर हो जाएगा टेल, अनिल विल टेल, बीच में आपको लगाना है डैट, क्योंकि ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए, हमें द पीपल ऐसे ही लिखना है, द पीपल, बाकी सब कुछ ऐसे हमें लिख देना है, शुड नॉट, शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब। ठीक है, तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में, जैसे यहाँ पर देखिए बिल लगा है तो ये फ्यूचर में है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड क्लास के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेम रहेगा उसी प्रकार से हम सेम लिख देंगे। ठीक है, कुछ प्रोनाउंस आएंगे उनको हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुनीता सैड टू कवि, व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, यानी कि सुनीता ने कवि से कहा, तुमने कल क्यों नहीं खेला। ठीक है, व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, तुमने कल क्यों नहीं खेला। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका रिपोर्टेड क्लास है वो किस टेंस में है, पहले तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर व्हाई जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि डिड आगे लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं सुनीता का सुनीता है रहने देंगे। अगर आपका रिपोर्टेड क्लास जो है वो किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो आपको करना क्या होता है, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर आस्क का यूज कर देंगे। ठीक है, सुनीता आस्क्ड कवि। अब देखिए, व्हाई हम डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पर ना हम डैट का भी यूज करेंगे ना इफ या वेदर का यूज करेंगे, हमें डायरेक्टली व्हाई लिख देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आगे होता तो हम इफ या वेदर का यूज करते। ठीक है, तो व्हाई, अब आपको इधर पॉजिटिव बना देना है, यू, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा कभी से, तो कभी के लिए हम ही का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस ही। ठीक है, अब चूंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जब उसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड लगाएंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, वाई, ही हैड नॉट। अब प्ले का हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, प्लेयड, प्लेयड। यस्टरडे का हम लिखते हैं इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है, जब अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है तो उसे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ही सैड स्विच ऑन द रेडियो, यानी कि उसने कहा, क्या कहा, रेडियो को चालू करो। ठीक है, उसने कहा रेडियो को चालू करो, स्विच ऑन द रेडियो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, ये सबसे पहले आपका जो रिपोर्टेड क्लास है ये है इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है रेडियो को चालू करो। ठीक है, तो देखिए आपको सब
भाव के अनुसार, जो रिपोर्टेड क्लास का जो भाव दिख रहा है आपको उसके अनुसार साइड को परिवर्तन करना है, ठीक है। तो साइड के स्थान पर यहाँ पर हम ऑर्डर्ड लिख देंगे, ही ऑर्डर्ड, ठीक है। अब ऑर्डर्ड हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर आर्डर लगभग दिया जा रहा था, स्विच ऑन द रेडियो, आर्डर दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर एडवाइस दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते, हम यहाँ पर एडवाइस लिखते, ठीक है, साइड के स्थान पर। अगर आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टर लिखिए, ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड। अब चूंकि आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम टू का यूज़ करते हैं, जैसे दैट का यूज़ करते हैं हम सिंपल में, ठीक है, इंट्रोगेटिव में इफ या बेदर, यहाँ पर हम टू से जोड़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेंट क्लास को, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, समझ में आया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। तो देखिए फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ये एक एक्सक्लामेटरी है, ठीक है। माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ, भगवान करे तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है, क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इच्छा है टीचर की कि तुम फर्स्ट डिवीजन आओ। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माई टीचर, माई टीचर, ठीक है, विश्ड सेड टू, क्या था, हम क्या लिखेंगे, विश लिखेंगे क्योंकि विश कर रहे हैं, ठीक है, इच्छा जताई जा रही है, तो विश्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है, यू है सब्जेक्ट, तो यू बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज क्या करेंगे, आई, लेकिन इससे पहले आपको डैट का यूज करना होगा, ठीक है, इसमें हम डैट का यूज करते हैं, समझ में आया। तो देखिए आपका कौन सा टेंस है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी कि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मैंने पहले एक्सक्लामेटरी कहा लेकिन नहीं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। अब देखिए यहाँ पर माय टीचर विश्ड मी, डैट का यूज करते हैं बीच में, तब सब्जेक्ट लिखते हैं यू है, यू को बदलेगा मी से, मी के लिए सब्जेक्टिव केस आई होगा, ठीक है, मे बदल जाएगा माइट में, मे बदल जाएगा माइट में, तो आई माइट, ठीक है, पास इन फर्स्ट डिवीजन, बस आपको ऐसे लिख देना है इन फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, समझ में आया ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब देखिए ये थे आपके चार इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस को, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को जोड़ना, यानी कि सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बल्कि उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़िए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए समवन हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है, यानी कि किसी ने मेरा पेन चुराया, ठीक है, चुरा लिया है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ तक है, एक सेंटेंस यहाँ तक, तो ये आपके दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़कर हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई डू नॉट, आई डू नॉट, ये पहले लिखेंगे, ठीक है, आई डू नॉट नो, फिर लिखेंगे हु, ठीक है, आई डू नॉट नो, फिर हम क्या लिखेंगे, हु हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है, ये आपका सिंथेसिस हो चुका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारा पेन किसने चुराया है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग हु यूज किए हैं, आपने दैट का यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि देखिए हु का मतलब यहां पर होगा की किसने, की किसने, व्हाई होता तो की क्यों, ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आप रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, यहां पर हु का मतलब है की क्यों, सॉरी की कौन, ठीक है, या की किसने। तो देखिए आई डू नॉट नो हु हैज स्टोलन माय वॉच, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पेन किसने चुराया है, ठीक है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पेन किसने चुराया है, ठीक है, तो की किसने यहां पर हु का अर्थ होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई वेंट टू द सर्कस, आई परचेज टू टिकट्स, यानी कि मैं सर्कस में गया, आई परचेज टू टिकट, मैंने दो टिकट खरीदा। अब आपको इन दोनों सेंटेंस को एक करना है और इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, दोनों की दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, जिस सेंटेंस में आप कन्वर्ट करेंगे वो कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए, बल्कि इनका मीनिंग नहीं बदलना है, ठीक है, यानी कि इनके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए आई वेंट टू द सर्कस, मैं सर्कस में गया, आई परचेज टू टिकट, मैंने दो टिकट खरीदा, तो इसको आप कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए। तो देखिए आई वेंट टू द सर्कस, ठीक है, एंड I purchased
टू टिकट्स। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए इसका हिंदी होगा, मैं सर्कस में गया और मैंने दो टिकट खरीदा। ठीक है, तो देखिए सेम मीनिंग है, जो ऊपर कहा गया था वही नीचे भी कहा गया, बस हमने इन दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ दिया है और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन चुका है। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रन क्विकली यू विल मिस द ट्रेन, यानी कि तेजी से दौड़ो, यू विल मिस द ट्रेन, ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, या तुम ट्रेन को खो दोगे या मिस कर दोगे। तो देखिए इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर रन क्विकली, बीच में लिखेंगे हम अदरवाइज, क्योंकि हमें इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो बीच में हम अदरवाइज का यूज करेंगे। अदरवाइज का जैसे हम यूज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। अब ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। जो मीनिंग ऊपर था वही नीचे भी है। देखिए तेजी से दौड़ो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, नीचे क्या है, तेजी से दौड़ो अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, या यहाँ हो सकता है जल्दी दौड़ो वरना ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, दोनों सेम ही अर्थ रखते हैं और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर दिया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज पुअर, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। ठीक है, यानी कि वह गरीब है, वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। ठीक है, तो देखिए हमारा ये सिंथेसिस हो चुका है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए अल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, यद्यपि वह गरीब है वह हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब तीसरा टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि वाक्यों का स्थानांतरण। इसमें होता क्या है, द मंकी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, इसको आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। जो ब्रेकेट में दिया गया है और जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को इस ब्रेकेट के अनुसार, जो ब्रेकेट में दिया गया है उसके अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो देखिए द मंकी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, यानी कि मंकी यानी कि बंदर सभी पौधों को नष्ट कर चुके हैं। ठीक है, या बंदरों ने सभी पौधों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बंदर ने, तो देखिए ये कौन सा टेंस है, हैज प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए किसने नष्ट किया, बंदर ने, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। किसको नष्ट किया, पौधों को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑल द प्लांट्स है ये ऑब्जेक्ट है, ऑल द प्लांट्स। ठीक है, सभी पौधे जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑल द प्लांट्स। अब इसमें आपको क्या करना होता है, हैज या हैव का यूज करना होता है प्लस बीन का पैसिव वॉइस में। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हैज या हैव के साथ बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैव का यूज होगा क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं, तो हैव बीन। ठीक है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आपका डिस्ट्रॉयड ही होगा, डिस्ट्रॉयड। अब जो आपका सब्जेक्ट है कौन है, बंदर, तो उसको बाई से जोड़ देंगे, बाई द मंकी। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड हमारा है द टीचर डिज नॉट टीच मी यस्टरडे। ठीक है, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त होता है, आपका अर्थ यहाँ पर भी नहीं बदलना चाहिए। देखिए टीचर डिज नॉट टीच मी यस्टरडे, अध्यापक ने आज मुझे नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बट इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिड द टीचर टीच मी यस्टरडे। तो ये आपका हो चुका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट। ठीक है, और इसका मीनिंग भी नहीं बदला। देखिए ऊपर क्या था, अध्यापक ने कल मुझे नहीं पढ़ाया। ठीक है, नीचे क्या है, क्या अध्यापक ने कल मुझे नहीं पढ़ाया, लगभग इसका अर्थ सेम है। ठीक है, और ये आपका इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन एलिफेंट इज द हैवीस्ट एनिमल, यानी कि जो हाथी है वो सबसे भारी जानवर है, ठीक है, सबसे हैवी जानवर है। तो देखिए यहाँ पर इज द हैवीस्ट, ठीक है, तो ये आपका कौन सा डिग्री है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसको आपको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे नो अदर एनिमल इज सो हैवी एज एन एलिफेंट। अब ये आपका जो है पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, हाथी जितना भारी कोई अन्य जानवर नहीं है, नो अदर एनिमल इज सो हैवी एज एन एलिफेंट, यानी कि हाथी जितना भारी कोई अन्य जानवर नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस में कुछ दिक्कत होगी, कुछ मिस्टेक होगी, उसको आपको सही करना है, बस इतना सही होता है सिंटैक्स, ठीक है। जैसे देखिए आई हैव ए 10 रुपीज नोट, मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, इसमें गलती है थोड़ा सा, आई हैव ये 10 रुपीज के स्थान पर आपको सिर्फ रुपी लिख देना है, ये यस नहीं लगाना है, ठीक है, नोट, यानी कि मेरे पास 10 रुपये का नोट है, अब ये आपका सही है, थोड़ी सी गलती होगी वो अगर आप सही कर लेंगे तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा, तो रुपीज़ में ऐसे में नहीं लगाना है, बस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स, यानी कि क्या कोई वह नहीं कर सकता जो उसे पसंद है, कैन वन नॉट डू, क्या कोई वह नहीं कर सकता व्हाट ही लाइक्स, जो उसे पसंद है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या गलती है, तो कैन वन नॉट डू व्हाट, तो जब यहाँ पर वन दिया गया है तो यहाँ पर ही के स्थान पर भी क्या होगा, वन होगा, ठीक है, इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर भी वन होगा, तो यहाँ पर वन लिख देंगे, ठीक है, ही आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर वन दिया गया, तो वन के लिए हम अपने की अंग्रेजी वंस लिखते हैं, और यहाँ पर ही के स्थान पर भी वन लिखेंगे, तो वन लाइक्स, अब ये आपका सही है। अब इसका अर्थ होगा क्या कोई वह नहीं कर सकता जो उसे पसंद है, ठीक है, वन कैन वन कोई वह, ठीक है, जो उसे पसंद है, वन हु लाइक्स, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही फॉट विथ मी टूथ एंड नेल, यानी कि उसने मेरे साथ दांत और नाखून से लड़ाई की, ठीक है, ही फॉट विथ मी टूथ एंड नेल्स, तो इसमें गलती क्या है, देखिए ही फॉट, तो जब लड़ाई हो रही है तो विथ नहीं लगाएंगे हम, सीखेंगे जी अगेंस्ट लिखेंगे, ठीक है, अगेंस्ट आपने सुना होगा जब बड़ी बड़ी लड़ाई होती हैं, तो अगेंस्ट मी टूथ एंड नैल्स, ठीक है, तो ये आपका सही होगा, ही फॉट अगेंस्ट मी टूथ एंड नैल, तो यहाँ पर फॉट के साथ से की अंग्रेजी अगेंस्ट हम लिखते हैं, विथ नहीं, ठीक है, तो उसने मेरे साथ या उसने मुझसे दांतों और नाखूनों से लड़ाई की, ठीक है, समझ में आ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, जैसे आपका ईमानदार का बेईमान, ईमानदार आपका है उसका विलोम होगा बेईमान, काला है उसका विलोम सफ़ेद, वैसे ही, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा, हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, ठीक है, तो एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। सेकंड है कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, तो इसका हो जाएगा नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, तो कॉशियस का मतलब सावधान या सतर्क, नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह, तो एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। थर्ड है फेलर, फेलर का मतलब होता है असफलता, तो इसका हो जाएगा सक्सेस, सक्सेस का मतलब होगा सफलता, ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, इसका एंटोनिम ए, इसका एंटोनिम्स ए, और इसका एंटोनिम ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका हिंदी अर्थ समान होगा। जैसे देखिए लाई, लाई का मतलब झूठ, तो बताइए फाल्स, फाल्स का मतलब भी झूठ, तो देखिए दोनों वर्ड तो अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थ समान हैं, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं हिंदी में सिनोनिम्स को, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, तीनों नाम से आप इन्हें पुकार सकते हैं। सेकंड है डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है दिव्य, ठीक है, दिव्य यानी कि बहुत अच्छा आदमी, दिव्य है वो, तो इसका हो जाएगा गॉड लाइक, या आपने सुपर ह्यूमन का नाम सुना होगा, सुपर ह्यूमन, ठीक है, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, गॉड लाइक सुपर ह्यूमन, या आप लिख सकते हैं हाइबेनली, ठीक है, तो गॉड लाइक सुपर ह्यूमन का मतलब भी होता है दिव्य, ठीक है, या आप हाइबेनली भी लिख सकते हैं, HEAVENLY, देखिए हाइबेन का मतलब स्वर्ग, हाइबेनली का मतलब स्वर्ग की तरह, ठीक है। थर्ड है हमारा गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, ठीक है, या उपहार, तो इसका हो जाएगा प्रेजेंट,
प्रेजेंट का मतलब भी होता है उपहार, या आप लिख सकते हैं डोनेशन, डोनेशन का मतलब भी होता है उपहार, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, इनका वर्ड तो अलग अलग है लेकिन अर्थ सेम है। तो आई होप कि आपको ये छह टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। छह टॉपिक के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए, ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर का रेगुलर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।